रुत्तां अक्सर बदलदियां रहिंदियां ने पर अजकल जिहड़ी पंजाब च रुत्त चल रही है ना ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बहुत सारे हजारां लखां वर्करां दे नाल ते आम लोकां दे नाल गलियां च महल्लियां च नुक्कड़ मीटिंगां दे विच होया राफ्ता होया वो संपर्क साध के एक गल दा मैनूं अहसास होया कि चाहे हाईकमांड दा 18 पॉइंट एजेंडा होवे चाहे साडा टॉप प्रायोरिटी पहल दे आधार ते जिहड़ा असी मुद्दा निर्धारित कीता सीगा कोआर्डीनेशन कमेटी दे विच वी पंज मुद्दियां वाला जिहड़ी चीफ मिनिस्टर पंजाब दे नाल हुई सी चाहे वह कोआर्डीनेशन कमेटी का मुद्दा होवे वह बिजली का मुद्दा है फॉल्टी पीपीएस का मुद्दा है और अज लोक आवाज है धरती पाड़ के आउंदी है कि यह मुद्दा लोक हित दे विच सब तो पहल के आधार के उत्ते सॉल्व किया जाए इस समस्या का पहला सीधा तो सिंपल हल है कि पंजाब सरकार लोक हित दे विच पब्लिक इंटरेस्ट दे विच एक बिजली कानून 2003 दे अधीन निर्देश जारी करे जिहड़ा पंजाब राज रेगुलेटरी कमिशन है बिजली का कि भाई तुसीं अपना एक टैरिफ ऑर्डर इशू करो जिहदे अधीन फेयर और जस्ट प्राइसिस दे उत्ते बिजली खरीदी जावे और जिहड़े ये एग्जॉर्बिटेंट प्राइसिस के उत्ते पीपीए साइन किए वो नल एंड वॉइड करार दिते जान इहदा सीधा सीधा फायदा की है प्यारे पंजाबियों कि 50,000 करोड़ का फायदा सीधा सीधा इस स्टेट नूं आऊगा वो चोर मोरी इमीजिएटली रुक जाऊगी और पंजाब के हरेक मिशन के 1.5 to 2 रुपये पर यूनिट घट पैसे देने पैणगे और हर पासे पावर होगी पंजाब सरकार का श्री गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साल प्रकाश दिहाड़ा वो समर्पित जिहड़ा इह सैशन बुलाया गया है बहुत ही शलाघायोग कदम है चानण मना रहे ने साडे साडियां जिंदगियां नूं सेध देण वाला चानण मना रहा है लेकिन उन्हां दी विचारधारा मानवता नूं सेध देण दे नाल सरबत दा भला भी चाहुंदी है और एक दिन दे सैशन दे विच किन्ने ही मसले ने पंजाब दे लोकां दीआं जिंदगियां नूं बेहतर करन दे नाल जुड़े हुए वो हल नहीं होणे मैं मंग करदा कि गुरु साहब दी याद दे विच एक 5-7 दिनां दा सैशन होवे जिथे होर अहम मसलियां दे नाल इह तरजीह दित्ती जावे कि जिस तरह असी SVIL दे खिलाफ डट के एक कानून लिआंदा सीगा टर्मीनेशन का और पंजाब का बूंद पानी देण तों अनजस्टिफाइड इनकार करता सी उस तरह एक टर्मीनेशन का कानून लिआंदा जावे पंजाब टर्मीनेशन ऑफ PPAs एक्ट जिहदे नाल ये फॉल्टी PPAs सिरे तों रद्द कीते जाण और पंजाब दे लोकां नूं जस्ट और फेयर प्राइसिस दे उत्ते बिजली मिले और ये तय होवे कि जिहड़ी PSPCL है वो एग्जॉर्बिटेंट प्राइसिस दे उत्ते बिजली ना खरीदे और लोक हित दे विच पंजाब दे हर बाशिंदे नूं सस्ती बिजली मुहैया कराई जा सके पंजाब पहलां ही हिंदुस्तान दे विच बिजली सबसिडी दे मामले दे विच सब तो अगे है 10,000 करोड़ तो उत्ते दी सबसिडी दित्ती जांदी है किसानी नूं बिजली फ्री है SC BC PPL ते फ्रीडम फाइटर्स नूं 200 यूनिट तक फ्री है दिल्ली वांग नहीं कि 200 यूनिट तक फ्री है और 200 to 450% और 400 दे उत्ते पूरे दा पूरा बिल आंदा है और इंडस्ट्री और कमर्शियल नूं किते ज़्यादा टैरिफ है दिल्ली दे विच इन्ना ही नहीं पंजाब अपनी प्रोडक्शन करता है
ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਲਾਈਟ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ 25% ਬਿਜਲੀ ਆਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ 0। ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐੱਸਸੀ ਬੀਸੀ ਬੀਪੀਐਲ ਅਤੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜ਼ਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ 3 ਰੁਪਈਏ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਔਰ 5 ਰੁਪਈਏ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ।